फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये मैंने किसी को भी गलत बताने के लिए नहीं बनाई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रियली में वर्क करता भी है या नहीं करता है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है एक MC PCB जो कि 9 वॉट की है। एंड ये जो है, इसका जो ड्राइवर सर्किट था वो ख़राब हो चुका था, यानी कि इसका बल्ब जो था इसका सर्किट ख़राब हो चुका था। दैट्स वाई मैंने जो है इसको निकाल लिया है। एंड इसको जो है मैं देखने वाला हूँ कि ये इसको हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। एंड तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक फ़ैन कैपेसिटर की मदद से जो है एक भाई है उसको जो है वो ग्लो करवा के दिखा देता है। तो यहाँ पर जो है देखने वाले हैं कि वो रियलिटी में ऐसा कुछ काम करता भी है या नहीं करता है। एंड जो कैपेसिटर एंड डायोड्स हैं वो आप देख सकते हैं। कैपेसिटर जो है आपको यहाँ पर 100 वोल्ट से ऊपर का ही लेना है, यानी कि 100 वोल्ट से ऊपर ही ऊपर होना चाहिए वोल्टेज, उसकी ज़्यादा ही होनी चाहिए 100 वोल्ट से। बिकॉज वो जो है अगर कम वोल्टेज का आप लेंगे तो फिर हो सकता है कि वो ब्लास्ट भी कर जाए। तो इसीलिए आपको जो है 100 वोल्ट से ऊपर का ही कैपेसिटर यूज़ करना है। एंड IN4007 के आप चार डायोड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप इसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाने वाले होंगे। तो नॉर्मल सा आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना आता ही होगा, बाकी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है दोनों अपोजिट पोल्स को आपको एक साथ में शॉर्ट कर देना है दोनों दो पेयर्स में। एंड इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो है आपको सेम साइड से आपको देख के एंड उनको जो है शॉर्ट कर देना होगा। जैसे कि ये दोनों साइड में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ में ऐसे ही जोड़ देंगे एंड नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ में जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है ब्रिज रेक्टिफायर बन जाएगा। एंड एसी साइड कौन सी है, डीसी साइड कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले MC PCB में आपको आना है। एंड यहाँ पर जो है मैं एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैं अभी पॉजिटिव वाली साइड में कनेक्ट कर रहा हूँ एंड इसकी जो है नेगेटिव वाली साइड में भी कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं पहले पॉजिटिव वाली में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। एंड इसके बाद में अब जो है मुझे दूसरी साइड में भी वायर कनेक्ट करना है। तो पहले मैं इस वायर को कट कर लेता हूँ एंड इसी से मैं जो है दूसरी वाली वायर को भी यहाँ पर सोल्ड कर दूँगा। तो यहाँ से मैं जो इसको छील लेता हूँ एंड इसको जो है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने नेगेटिव वाली साइड में भी इसको कनेक्ट कर दिया है। एंड अब जो है मुझे ये वाली वायर को भी कट कर देना है एंड इसको जो है मैं अब ब्रिज रेक्टिफायर में कनेक्ट करूँगा। एंड कैसे कैसे करना है वो सब आप जो है वीडियो में देखते रहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने वीडियो उसको कट कर दिया है। एंड इसके बाद में आपको जो है कैपेसिटर यूज़ करना है। एंड कैपेसिटर में आपको पोलैरिटी का पता होगा शायद से कि आपकी जो माइनस वाली यानी कि डैश वाला जो साइड होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो आपको जो है यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखना है। अगर आप अपोजिट पोल्स लगा देते हो तो फिर कैपेसिटर जो है वो ब्लास्ट कर सकता है। इस वजह से आप जो है यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सावधानी से यानी कि इसको बहुत ध्यान से देख के लगाएं। अब इसके बाद में जो है मैंने दोनों वायर्स को यहाँ पर लगा लिया है एंड जो हमारा बोर्ड है उसकी साथ में मैंने जो है एक कैपेसिटर को भी कनेक्ट कर दिया है जो कि हमारा 100 वोल्ट एंड 47 UF का है। अब देखिए यहाँ पर जो है 47 UF ज़रूरी नहीं है कि आपको 47 UF ही लेना है, आप इसे ज़्यादा माइक्रोफैरेड का या फिर कम माइक्रोफैरेड का भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपकी जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 100 वोल्ट से अबव होनी चाहिए या फिर 100 वोल्ट ही होनी चाहिए। तो मुझको जो है 100 वोल्ट से अबव का नहीं मिला था, यानी कि 450 वोल्ट या फिर इससे 250 वोल्ट तक का आपको मिल जाए कोई बात नहीं है, वो वर्क करेगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर जो है अब ब्रिज रेक्टिफायर लेना है। ब्रिज रेक्टिफायर में आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव ध्यान में रखते हुए आपको जो है लगा देना है, इसमें सप्लाई में लगा देना है। तो यहाँ पर जो है जो हमारी सिल्वर वाली साइड होती हैं वो उसमें जो है हमारा पॉजिटिव वाली वायर कनेक्ट हो जाएगी एंड जो हमारी ब्लैक वाली साइड है उसमें जो है आपकी नेगेटिव वाली वायर कनेक्ट हो जाएगी। एंड इसके बाद में मैं जो है यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ इसमें, जिससे कि ये जो है कहीं पर भी नहीं जाएगा, यानी कि ये जो है इसी पर जो है फिक्स हो जाएगा। एंड इसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारे मेन कंपोनेंट की जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, जो कि है हमारा एक फ़ैन कैपेसिटर। तो एसी लाइन में आपको जो है फ़ैन कैपेसिटर सीरीज़ में जोड़ना है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो ये रहा हमारा एक फ़ैन कैपेसिटर, यहाँ पर जो है आपको इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। तो अब जो है यहाँ पर आपके दो ही पॉइंट्स बचते हैं, ये दोनों में से किसी भी साइड में आपको जो है एक वायर कनेक्ट कर देना है एंड इसको सोल्ड कर दीजिए, यानी कि या फिर आप जो है अगर इसको बल्ब के अंदर फिक्स करने वाले हैं तो आप जो है इसको इसमें जो है इंसुलेशन टेप का या फिर किसी भी इंसुलेशन मतलब मटेरियल का आपको यूज़ करना है, इंसुलेट मटेरियल का, क्योंकि ये जो है गर्म तो वैसे इतना नहीं होगा, डायोड से आपके गर्म हो सकते हैं, बाकी और तो कोई चीज़ नहीं। तो लेकिन आपको जो है यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमारी जो कैपेसिटर है दोनों कैपेसिटर जो हैं वो कहीं पर भी शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं
टेस्ट करने के लिए एक लीड लेके आ गया हूँ। तो फिर ये जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट 220 वोल्ट सेट सी एसी में लगा दूंगा। एंड यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे कि इसमें जो है फेज़ आ रहा है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेज़ आ रहा है। तो इसको जो है हम डायरेक्ट ही अब लगा के देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है एंड ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है, बढ़िया वर्क कर रहा है, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड आपको एक सेफ्टी पॉइंट बताता हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। आपको जो है किसी भी कैपेसिटर में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर है एंड ये जो हमारा फ़ैन कैपेसिटर है। आपको पता होगा कि फ़ैन कैपेसिटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज अपने अंदर में स्टोर कर लेता है एंड ये जो है काफ़ी, मतलब अगर आप इसमें टच करते हैं तो आपको जो है काफ़ी ख़तरनाक शॉक दे सकता है। इस वजह से आपको जो है इसको डायरेक्टली टच नहीं करना है, पहले इसको जो है डिस्चार्ज कर लेना होगा, उसके बाद में आप जो है इसको टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ जिससे कि ये जो है मुझे हार्म ना कर सके। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता हूँ। तो यहाँ पर आप अभी आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए स्पार्क भी आपको देखने को मिला एंड यहाँ पर जो है दूसरे वाला जो हमारा कैपेसिटर है उसको भी आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज वो भी हमारे जो है 100 वोल्ट्स के आसपास का है, 100 वोल्ट्स का है, तो वो भी जो है हमारा चार्ज को स्टोर कर सकता है। इस वजह से ये जो है दोनों ही अनसेफ़ हैं टच करने के लिए। बाकी आप जो है इसको नॉर्मल ड्राइवर सर्किट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं बट इमरजेंसी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड चाहे तो इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।